मैं पल्लवी सोनी ब्लॉग, ऐसे हैं आप सभी। आई होप करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज अभी शाम के बज रहे हैं 7 और हम लोग जा रहे हैं मार्केट। जी हाँ, तो मार्केट क्यों जा रहे हैं? मार्केट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम लोग को लेना है पूजा के लिए सामान बहुत सारे। एंड किस चीज़ की पूजा है मैं आगे ब्लॉग में आप लोग को बता दूंगी। ब्लॉग में कंटिन्यू रहना। एंड अभी ना इतनी गर्मी पड़ रही है कि मतलब कुछ भी मेकअप करने का भी मन नहीं कर रहा। बस देखो मॉइस्चराइजर लगा के और मैं जा रही हूँ लिपस्टिक लगा के, और कुछ भी नहीं। तो चलते हैं, पहले मार्केट काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। सो बाय। सो गाइज, मार्केट जाने से पहले हम लोग आ गए थे योग्यशाला मंदिर दर्शन करने। हम लोगों ने सोचा पहले आए तो दर्शन वर्शन कर लेते, उसके बाद शॉपिंग करेंगे। A few moments later. So guys, मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे श्रृंगार का सामान लेने। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी मम्मी का निर्जला एकादशी व्रत है, और यहाँ पे मम्मी श्रृंगार का और जो भी चीज़ होता है बहुत सारी चीज़ दान करते हैं। तो वहीं यहाँ पे हर चीज़ देख रही थी कैसे क्या लेना, और मेरी मम्मी का ये चीज़ है जैसा वो यूज़ करती है वैसा ही दान देती है। तो आगे देखो हम लोग क्या क्या लेना है। बर्तन लेने के लिए, क्योंकि बर्तन दान देना है, दान है। तो वही मम्मी आई है बर्तन वर्तन लेने, थाली वाली ये सब जो भी दान किया जाता है। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बर्तन कौन सा क्या लेना है। ये देख लो, मम्मी आई है यहाँ पे बर्तन लेने के लिए पूजा का, क्योंकि ये सारे बर्तन जो भी ले रही है ना उसको दान में देगी। तो पंडित जी को दान करना है, तो बर्तन फल बहुत सारी चीज़ दान होता है। और यहाँ पे घंटी, हल्का घंटी लेना, ज़्यादा भारी नहीं। अभी तक हमारा आधा शॉपिंग हुआ, अभी और मम्मी को पता नहीं क्या क्या लेना है। एंड एक चीज़ और बता दूँ, जैसे हम लोग का सासारा में एक गोला है ना, जस्ट वही कटिहार में भी एक गोला है, एकदम जस्ट मतलब पूरा गोल घूम जाओ ना तो आपको हर चीज़ मिल जाएगा। तो ये चीज़ सही लगता है। 1 hour later. So guys, अभी हम लोग आ गए सब्जी मंडी में सब्जी लेने के लिए। घर पे एक भी सब्जी नहीं था। ये ले लो ना, केक सा। मार्केट में कितना ज्यादा है भाई? 1 किलो 20 और हर्षिस का ना चॉकलेट। पहले सामान थक चुके, अब हम लोग लगा है बहुत तेज वाला वो, तो मुझे तो बहुत तेज़ लगा है। तो मैं यहाँ बता रही हूँ पापड़ चाट, हम लोग के यहाँ गोलगप्पा बोला जाता है, वही गोलगप्पा ही है उसमें मिर्च मसाला डाल के पापड़ी चाट हो जाता है। पहले टेस्ट करते हैं एंड बताते हैं कैसा लग रहा है। Two hours later. तो अभी मैं जस्ट मार्केट से आई हूँ, और मुझे लगा बहुत तेज़ वाला वो, सबको भूख लगा है। तो दीदी बोल रही है कि सैंडविच बना के खिलाओ, सैंडविच मन कर रहा है खाने के लिए। तो मैं जा रही हूँ सैंडविच बनाने, वो ज़्यादा भारी वाला सैंडविच नहीं बना रही, बस नॉर्मल जो प्याज टमाटर वो डाल के बनाया जाता है वही वाला बना रही हूँ। तो सैंडविच बनाते हैं। सो गाइस, सैंडविच खाने के बाद यहाँ पर मैं लग जाती हूँ रात की खाने की तैयारियाँ। मैं तो आज मैं बना रही थी आलू की भुजिया और रोटी। तो यहाँ पर पहले मैं आलू को कट करके उसको अच्छे से वॉश करती हूँ। वैसे तो मार्केट से आने के बाद खाना बनाने का मन ही नहीं करता है, बट मम्मी का तबीयत सही नहीं था और दीदी तो बना ही नहीं सकती क्योंकि उसको ऑफिस का इतना टेंशन में वो रहती है ना कि वो खाने बनाने का नाम ही नहीं लेती है। सो जब से मैं हूँ थोड़ा मोड़ा उसको हेल्प कर देती हूँ रात की खाने वाने में। तो यहाँ पे पहले आलू की भुजिया मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाती हूँ, पता नहीं आप लोग किस तरीके से बनाते हो, बट मैं अपना रेसिपी बता देती हूँ कि पहले मैं यहाँ पर सरसों का तेल डालती हूँ, उसके बाद जीरा का और मिर्चा का फ़ोरन डाल के आलू को डाल के अच्छे से उसे अच्छे से 2-3 बार चला लो, भूंज लो 5 मिनट। 5 मिनट के बाद आप उसमें ना ये हल्दी पाउडर और नमक डाल दो, आपका बहुत ही टेस्टी सा आलू का भुजिया रेडी हो
हो जाएगा। सो आप लोग कभी दिन ऐसा ट्राई करके देखना, आप इसे रोटी के साथ, दाल चावल के साथ खा लो, बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही फास्ट बन भी जाता है। सो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है। सो बस व्लॉग को कंटिन्यू रखो, मैं यहाँ से अब मैं म्यूज़िक लगा देती हूँ। Next morning. So guys, आज था मेरी मम्मी का निर्जला एकादशी व्रत और मम्मी सुबह से टेंशन में थी कि मैं कैसे क्या पूजा करवाऊंगी खुद से। वैसे तो मम्मी सोची थी कि मैं खुद से पूजा कर लूंगी, बट यहाँ पे कोई पंडित जी लोग का अता पता था नहीं, तो बस हमारे घर के जो पंडित जी थे उन्होंने ही ऑनलाइन पूजा करवा दिया बहुत ही अच्छे से, हर मंत्र वगैरह पढ़ के। सो बस भगवान आपके साथ हो। निर्जरा एकादशी व्रत और यहाँ पे मम्मी ऑनलाइन पूजा करवाई है पंडित जी से, क्योंकि यहाँ पे पंडित जी का कोई पता नहीं था कहाँ है, तो इसलिए पंडित जी जो हमारे घर के वो ऑनलाइन पूजा करवा दिए हर चीज़। और अभी आरती वारती भी हो गया और मम्मी बस आशीर्वाद मांग रही है भगवान जी से। सो व्लॉग में क्या क्या होता है हर एक चीज़ दिखाऊँगी एंड बताऊँगी। आप सभी ने एकादशी वाला पूजा देखा, मैं प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाई क्योंकि पंडित जी आए नहीं थे। आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने ऑनलाइन पूजा करवाया, तो उस दिन मैं कोई ब्लॉग व्लॉग नहीं बनाई थी, बस जो भी मम्मी थोड़ा मोड़ा पूजा की थी उसका रिकॉर्ड कर लेती। और अभी हम लोग जा रहे खाटू श्याम मंदिर, जी हाँ, तो आप सभी को भी दर्शन करवाते खाटू श्याम बाबा की और ढेर सारा आशीर्वाद मांगेंगे सबके लिए, हमारे लिए, आप सबके लिए। तो चलते हैं मंदिर और भगवान जी का दर्शन करते हैं। आरती भजन भजन सब होते रहता है, अभी बाबा का आरती होने।
और बस कष्ट है तो दूर श्याम जी का दर्शन कर लिया हम लोग और आरती हो चुका था तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट गए, बट ठीक है दर्शन एकदम अच्छा से कर लिया है। और अभी हम लोग पैदल चल रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग को सब्जी आम ये सारा चीज़ लेना है, तो अगर हम लोग ऑटो में बैठ जाएंगे तो फिर उसके बाद डायरेक्ट घर लेकर चले जाएंगे, तो हम लोग सोचते हैं पैदल घूम कर सब्जी वब्जी ले लेते हैं उसके बाद घर जाएंगे। और इतनी ठंडी ठंडी हवा बह रही है ना, मैं क्या बताऊँ, इतना मज़ा आ रहा है एकदम, इतना ठंडा हवा कि मैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो पीछे मम्मी दीदी और हम लोग, तो चलते हैं आम वाम लेते हैं सब्जी वब्जी उसके बाद घर चलते हैं। योगशाला मंदिर हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचे कि मंदिर में दर्शन कर लेते हैं राम जी का, कैसा लग रहा है मम्मी? गाइज आप कोई भी दुख तकलीफ प्रॉब्लम कुछ भी आपको हो तो आप मंदिर आ जाओ, 5 से 10 मिनट बैठ जाओ, आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलने वाला है, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं। आंटी बोल रही है कि हम भी आ रहे तुम्हारे फोटो में, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं आंटी। तो हम लोग चलो दर्शन कर लिए हैं और काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ के ना मंदिर बहुत ही प्यारे प्यारे और बहुत बड़े बड़े हैं, सो बहुत अच्छा लगता है, बहुत घूमने वाला जगह है कि आप बहुत सारी मंदिर में दर्शन कर सकते हो हर एक भगवान जी का। सो बस चलते हैं अब घर और ब्लॉग को कंटिन्यू रहना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ढेर सारा प्यार देना मेरे ब्लॉग को। और जहाँ भी जाती हूँ मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो मेरी मम्मी सब लोग पूछते हैं क्या कर रही है, तो मम्मी बोल देती है अरे ब्लॉग बनाती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, बहुत सारे लोगों का हो जाता है। तो गाइस बाय बाय, घर चलते हैं। 2 hours later। 2 दिन से दूध वाला दूध नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर मैं आलू और दूध खरीदने आई थी। सो अभी हम लोग चलते हैं घर, घर पे भी खाना भी बनाना है मुझे। ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। पर भी चलिए ब्लॉग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय।